हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे पासिंग एरेज टू फंक्शन इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे हम एक पूरी पूरी एंटायर एरे को किसी फंक्शन को पास कर सकते हैं एज ए आर्गूमेंट ऑफ दैट फंक्शन सो टुडे वी स्टार्ट विद एरे क्या होता है उसमें एरे को मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं अरे में डेटा एलिमेंट्स क्या होता है ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं आज हम लोग बात ये फंक्शन क्या होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं आज हम लोग ये देखते हैं कि कैसे पूरी एरे को हम किसी फंक्शन को पास कर सकते हैं सो टुडे वी राइट पासिंग एरे पासिंग एरेज टू फंक्शंस देखिए इसमें क्या होता है कि समटाइम्स इट इज नेसेसरी कि एन एंटायर एरे कैन बी पास टू ए फंक्शन एज एन आर्गूमेंट कई जगह ज़रूरी होता है कि पूरी पूरी एरे को हम पास करें किसी फंक्शन को आर्गूमेंट की तरह से तो द मैनर इन विच द एरे इज पासड डिफर्स मार्कली हाउवेयर फ्रॉम दैट ऑफ एन ऑर्डनेरी वेरेबिल तो एरे को हम कैसे पास करते हैं ये कई तरह से डिफरेंट तरीके से हम इसको पास कर सकते हैं अब इसमें क्या होता है कि टू पास एन एरे टू ए फंक्शन द एरे नेम मस्ट अपीयर बाय इट्सल्फ विदाउट ब्रैकेट्स और सब सब्सक्रिप्ट एज एन एक्चुअल आर्गूमेंट विद इन द फंक्शन कॉल यानी आपको जब एरे पास करनी है फंक्शन को तो आप क्या क्या करेंगे कि एरे के नाम को एज ए आर्गूमेंट लेंगे ना तो उसके साथ उसका सब्सक्रिप्ट सब्सक्रिप्ट रहेगा और ना साइज़ रहेगा द करस्पॉन्डिंग फॉर्मल ऑर्गूमेंट इज रिटन इन द सेम मैनर दो इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज एन एरे विद इन द फॉर्मल ऑर्गोमेंट डिक्लेरेशन तो मतलब फॉर्मल ऑर्गूमेंट डिक्लेरेशन में उसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये एरे है लेकिन जब हम उसको यूज़ करेंगे तो केवल एरे का नाम यूज़ करेंगे वेन डिक्लेयरिंग ए वन डायमेंशनल एरे एज ए फॉर्मल ऑर्गोमेंट the array name is written with a pair of empty square brackets the size of the array is not specified within the formal argument declaration ठीक है तो साइज उसमें हम नहीं डिक्लेयर करते हैं अब इसमें कुछ चीज़ें जो ध्यान रखने वाली हैं वो ये हैं कि जब आप फंक्शन प्रोटोटाइप लिखेंगे जिसके अंदर एरे आर्गूमेंट्स यूज़ किया गया है उसमें क्या करेंगे एन एम टी पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट मस्ट फॉलो द नेम ऑफ ईच एरे आर्गूमेंट एंड हेंस इंडिकेटिंग दैट द आर्गूमेंट इज एन एरे तो जो भी आप ये लगाएंगे एम टी ब्रैकेट्स लगाएंगे तो वो एरे के नाम के बाद ही लगाएंगे ताकि ये क्लियर हो जाए कि जो आर्गूमेंट है वो एरे है इफ़ आर्गूमेंट नेम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ए फंक्शन डिक्लेरेशन then an empty pair of square brackets must follow the array argument data type। तो इस तरह से हम जब भी किसी एरे को हमें किसी फंक्शन को पास करना है तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इस चीज़ को हम आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं सपोज़ कीजिए हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसमें क्या है कि एक हम प्रोग्राम आउटलाइन बनाते हैं जो आपको ये एक्सप्लन करेगा कि कैसे हम एरे को पासिंग ऑफ एन एरे फ्रॉम द मेन पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम टू ए फंक्शन ठीक है कैसे हम एक एरे को मेन प्रोग्राम से प्रोग्राम के मेन फंक्शन से हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को ट्रांसफर करते हैं देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे मान लीजिए हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट ठीक है यहां पे हमने डिक्लेयर किया मान लीजिए ये फंक्शन का नाम है एवरेज अब इसके जो आर्गुमेंट है एक तो हो गया इंटीजर ए और दूसरा जो आर्गुमेंट है वो है फ्लोट एक्स और ये स्क्वायर एम टी स्क्वायर ब्रैकेट्स और ये हमने क्लोज कर दिया यानी इस लाइन से क्या हुआ यहाँ पे हमने ये डिक्लेयर किया ये क्या है ये है फंक्शन प्रोटोटाइप ये हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे अब इसके बाद क्या करेंगे मान लीजिए हमने ये मेन फंक्शन शुरू किया ठीक है इसके अंदर इंटीजर एन फिर दूसरी लाइन में हमने डिक्लेयर किया फ्लोट एवरेज फिर तीसरी लाइन में हमने डिक्लेयर किया फ्लोट लिस्ट हंड्रेड और उसके बाद जो भी स्टेप्स हैं या जो भी लाइन्स हमें देनी है वो हमने स्टेटमेंट्स लिख दिए यहाँ पे उसके बाद हमने लिखा साहब एवरेज इक्वल टू हमने कोई फंक्शन कॉल किया एवरेज किसके लिए कॉल किया एन के लिए और लिस्ट के लिए ठीक है और फिर जो भी स्टेटमेंट और हैं वो हमने दे दिए और यहाँ पे मेन फंक्शन की बॉडी बंद हो गई अब जो ये एवरेज फंक्शन हमने यहाँ यूज़ किया उसको हमने यहाँ डिक्लेयर किया यूज कर रहे हैं फ्लोट हमने लिखा एवरेज इंटीजर ए कॉमा फ्लोट एक्स ठीक है और उसके बाद फंक्शन में जो भी स्टेटमेंट्स हमें देने हैं वो हमने यहाँ दे दिए और ये फंक्शन की बॉडी क्लोज हो गई तो इस तरह से हम किसी फंक्शन को एरे पास करेंगे अब इसमें जो आपको ध्यान देने वाली चीज़ है एक देखिए पहले तो ये मेंशन कीजिए कि ये क्या हुआ तो ये लाइन ये हुआ वेरिएबल डिक्लेरेशन ठीक है एन को हमने डिक्लेयर कर दिया ठीक फिर फ्लोट एवरेज ये भी क्या हो गया ये भी हो गया आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन ठीक और फिर थर्ड ये जो है आपका फ्लोट लिस्ट हंड्रेड ये हो गई आपका एरे की डेफिनीशन तो यहाँ हमने लिख दिया एरे और डेफिनेशन ठीक है अब इसमें देखिए क्या होता है कि विद इन मेन अब आप मेन फंक्शन में देखिए क्या है कि मेन के अंदर वी सी कॉल टू द फंक्शन एवरेज अब मेन के अंदर यहाँ पे देखिए हम एवरेज फंक्शन को कॉल कर रहे हैं दिस फंक्शन कॉल कंटेन्स टू एक्चुअल आर्गूमेंट अब इसके अंदर दो आर्गूमेंट है एक एन है और एक लिस्ट है ठीक द इंटीजर वेरेबल एन एंड द वन डायमेंशनल फ्लोटिंग पॉइंट एरे लिस्ट नोटिस दैट लिस्ट एपियर्स एज एन ऑर्डिनेरी वेरेबल विद इन द फंक्शन कॉल अब यहां पर देखिये केवल आपने ऑर्डिनेरी वेरेबल की तरह इसको लिस्ट लिख दिया है आपने यहाँ पे लिस्ट को ऐसे नहीं लिखा कि साहब ये एरे है या या आपने लिस्ट को ऐसे नहीं मेंशन किया कि साहब लिस्ट और हंड्रेड कि ये एरे है तो हमको ऐसे हम एकदम ऑर्डनरी वेरेबल केवल के हमने उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है ठीक अब इसमें क्या होगा कि नो स्क्वायर ब्रैकेट इज इंक्लूडेड अब इसमें क्या होगा कि द फर्स्ट लाइन ऑफ द द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन इंक्लूड टू फॉर्मल आर्गुमेंट ए एंड एक्स अब फंक्शन डेफिनेशन में आइए तो पहली लाइन में देखिये ए और एक्स दो फॉर्मल आर्गुमेंट है द फॉर्मल आर्गुमेंट डिक्लेरेशन एस्टेब्लिश ए एज एन इंटीजियर वेरेबल देखिये ये इंटीजियर वेरेबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है और एक्स को कैसे डिक्लेयर किया हुआ हमने फ्लोट एक्स और एम टी ब्रैकेट मतलब एक्स जो है एक वन डायमेंशनल फ्लोटिंग पॉइंट एरे है अब इसमें क्या होगा कि सिंस देयर इज ए करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एक्चुअल आर्गूमेंट एन एंड द फॉर्मल आर्गूमेंट ए अब चूंकि यहाँ पे देखिए आप एन एन के लिए कॉल कर रहे हैं तो ये एन की वैल्यू कहाँ पे आएगी ए में और लिस्ट जाएगा आपका एक्स पे ठीक तो कह रहा है कि सिंस देयर इज ए करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एक्चुअल एक्चुअल आर्गूमेंट एन एंड द फॉर्मल आर्गूमेंट ए सिमिलरलीयर इज ए कर फॉर्मल आर्गुमेंट एक्स तो ये एक्चुअल आर्गुमेंट लिस्ट में और एक्स में इसमें भी करस्पोंडेंस है यहाँ एक्चुअल आर्गुमेंट एन में और फॉर्मल आर्गुमेंट ए में इसमें करेस्पोंडेंस है अब इसमें ये ध्यान देखना है कि नोट दैट द साइज ऑफ एक्स इज नॉट स्पेसिफाइड यहाँ पे देखिए एक्स की साइज नहीं स्पेसिफाई किया है विद इन द फॉर्मल ऑर्गूमेंट डिक्लेरेशन ठीक तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन प्रोटाइप कुड हैव बीन रिटर्न विदाउट ऑर्गूमेंट नेम्स यानी ये जो हमने फंक्शन प्रोटाइप यहाँ पे जो ये जो फंक्शन प्रोटाइप वाली लाइन है इसको हम ऐसे भी लिख सक लिख सकते थे फ्लोट एवरेज ठीक है और हम चाहते तो फॉर्मल आर्गुमेंट का नाम ना देते हम केवल इंटीजर डिक्लेयर कर देते और फ्लोट डिक्लेयर कर देते ठीक है इससे भी काम हो जाता ये भी एकदम परफेक्टली करेक्ट तरीका है फंक्शन प्रोटाइप डिक्लेयर करने का तो चाहे आप इस तरह डिक्लेयर कीजिए यह भी वैलिड तरीका है और अगर आप इस तरह डिक्लेयर करते हैं तो ये भी वैलिड तरीका है ठीक तो इस तरह आप किसी तरह पूरी एक एरे को आप ट्रांसफर कर सकते कर सकते हैं किसी फंक्शन को अब उसके बाद एक चीज और ध्यान देनी है आपको कि देखिए पिछले लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वी ऑलरेडी डिस्कस द फैक्ट दैट आर्गुमेंट्स आर पास टू ए फंक्शन बाय वैल्यू द आर्गुमेंट्स आर ऑर्डनरी वेरिएबल एंड वेन एन एरे इज पास टू ए फंक्शन हाउ एवर द वैल्यूज ऑफ द एरे एलिमेंट आर नॉट पास टू द फंक्शन रादर दैन द एरे नेम इज़ इंटरप्रिटेड एज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एरे एलिमेंट लोकेशन दिस एड्रेस इज असाइन टू द करस्पॉन्डिंग फॉर्मल ऑर्गूमेंट यानी कि जब आप एरे पास करते हैं तो एरे के सारे एलिमेंट नहीं पास होते हैं एरे के फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है वो पास होता है फंक्शन में वेन द फंक्शन इज कॉल्ड द फॉर्मल आर्गूमेंट देयर फोर बिकम्स ए पॉइंटर टू द फर्स्ट एरे एलिमेंट ठीक है आर्गूमेंट दैट आर पासड इन दिस मैनर आर सेट टू बी पास बाई रिफरेंस रादर देन पास बाई वैलू तो यानी कि इसमें ये क्या कह रहा है कि जब आप इसको पास करेंगे देखिए आप लौट के आइए प्रोग्राम पे यहाँ पे जब आप इस तरह एरे को पास करेंगे यहाँ पे एक्स में तो एरे के जो सारे एलिमेंट्स हैं लिस्ट में जो सारे एलिमेंट्स हैं वो नहीं पास होंगे एक्स में बल्कि लिस्ट के पहले एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो पास हो जाएगा एक्स में तो इस तरह यानी एक तरह से ये जो है पॉइंटर का, का काम करेगा तो इस तरह से जब आप पास करते हैं रे को तो दैट इज कॉल्ड पास्ड बाय रेफरेंस और जब आप वैल्यू पास करते हैं वो कहलाता है पास्ट बाय वैल्यू उसको भी आगे आने वाली एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ेंगे दिस इज कॉल्ड पास्ड बाय रेफरेंस तो ये चीज आपको एक चीज बतानी थी ठीक अब उसके बाद क्या होता है कि वेन ए रेफरेंस इज मेड टू एन एरे एलिमेंट विद इन द फंक्शन द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट सब्सक्रिप्ट इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर टू इंडिकेट द एड्रेस ऑफ द स्पेसिफाइड एरे एलिमेंट देयर फोर एनी एरे एलिमेंट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एक्सेन द फंक्शन मोर ओवर इफ एन एरे एलिमेंट इज अल्टर्ड विद इन द फंक्शन द अल्टरेशन विल बी रिकोगनाइज इन द कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम यानी अगर फंक्शन के अंदर आप किसी ऐसी प्रोसेसिंग होती है जिससे अरे का एलिमेंट चेंज होता है तो डैट अल्टरेशन विल आल्सो बी रिकोगनाइज इन द कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम तो ये एक आपको आज पहली एग्जांपल देके समझा दिया कि कैसे किसी भी एरे को फंक्शन में पास करते हैं अब इसमें और जो फर्दर जो एडवांसमेंट है या फर्दर जो फीचर्स हैं वो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग उसको भी वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके थैंक यू